प्रज्ञान अभी बाहर गया था तो बीजेपी की टोपी पहन के आया है। अब काव्या के पापा ने आज करके आए शॉपिंग की और क्या लेकर आए हैं। काव्या मती रो खावे। सौरभ जी लेकर आए सामान और साथ में लेकर आए आज मिठाई। क्या है इसमें मिठाई? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय राजस्थानी फैमिली ब्लॉग। और आज काव्या का पापा अभी लेकर आए नाश्ता। आज बाहर से लेकर आए नाश्ता, समोसे लेकर आए। तो अब सब करते हैं हम नाश्ता समोसे का। एक बार तो नाश्ता कर लिया है क्योंकि कल पकौड़े बनाए थे वो थे थोड़े बहुत, और समोसे भी लेकर आ गए थे काव्या के पापा, तो उन सबका नाश्ता कर लिया। और अब जाती हूँ नीचे, पहले करूँगी साफ सफाई और उसके बाद में लेट ही बनाएंगी खाना क्योंकि आज फुल नाश्ता होके रखा है इसलिए। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो जाते हैं नीचे और करते हैं साफ सफाई पहले, फिर ऊपर करूँगी। काव्या चले नीचे। तो क्या हुआ, चले आ जा। अब ये रूम में गई है, आ जा नीचे आ जा। इसको लेके जाती हूँ नीचे। अब सौरभ जी लेकर आए हैं काव्या प्रज्ञान के लिए बड़े वाले भुजिया, और ये हनुमान जी वाले भुजिया हैं मी, वो छोटे वाले मीओड़े वाले मारवाड़ी में गए तो। और पापड़ है, और तो सारे पापड़ ही है इसमें। और लेकर आए सब्जियाँ, तो वापस डालती हूँ। प्रज्ञान ये खाएगा? प्रज्ञान प्रज्ञान को और काव्या को ये दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, दोनों भाई बहनों को ये वाले, क्योंकि तो इस खाने में भी आसानी रहती है और ये ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होते। प्रज्ञान अभी बाहर गया था तो बीजेपी की टोपी पहन के आया है। ले ले ले, ओ नहीं, ओ नहीं, नहीं, नहीं। देख कितनी प्यारा लग रहा है। और लेकर आए सूरज जी सब्जी, अब गाजर भी आने लग गई है, बैंगन कद्दू सारी। और मम्मी जी भी साफ कर रहे थे धना, तो फोन आ गए बीच में, गए हैं अभी बात कर रहे हैं। और ये लेकर आए मेथी की पूड़ी और इसके पराठे बनाएंगे। और इधर बन रही है अभी बूंदी की सब्जी और अब बनाऊंगी रोटियां। देखिए प्रज्ञान गायों वाले डब्बे से ताला खोल रहा है, वो भी बाइक की चाबी से। प्रज्ञान सो के हैं, ताला खोले की को इको ओ कई गौशाला पहुंचाए के रिपिया हैं। हाँ बड़ी फुर्सत तू खोल रहे है सो रहे। हाँ जनी तो ओके, अब क्या है? ओके मैं दे रहा हूँ, अब क्या है मैं हैं। देखो हंस रही है ताना, देख देख। हम मैं जा रही हूँ ऊपर क्योंकि काव्या खा रही है मतीरा खा रही है तरबूज अभी, तो हम सब भी खाएंगे। प्रज्ञान तो आधी से ज्यादा सीढ़ियाँ चढ़ चुका है। चलो चलो अब ऊपर जाते हैं और तरबूज खाएंगे और तुलसी में पानी दूंगी इसलिए लोटा भी लेकर जा रही हूँ साथ में। चलो चलो जाते हैं और खाते हैं तरबूज, फिर तरबूज क्या सॉरी मतीरा। काव्या मती रो खावे। पग सीधा कर दे तारे, छंटा पड़े कपड़ा पर, पजामी गंदी हो रही है। प्रज्ञान भी खा रहा है इधर। ओ तो बहुत ही ठीक निकली है। अभी दिन तो दौड़ो धट। काव्या तुलसी में पानी दे रही है पौधों में, है ना? इतनी धीरे क्यों चल रही है, हैं? हाँ दे दे और डाल तो इसमें, इतना थोड़ा क्यों डाला इसमें, वो डाल। हाँ हाँ ऐसे शाबाश। हाँ और उसमें डाल दे, उसमें भी डाल दे, बच्चा हुआ बच्चा हुआ उसमें डाल दे। अरे अंदर डाल दे, नीचे गिर रहा है। हाँ डाल दे, हम नीचे चले। अब बन चुके हैं 5, में आ गए किचन में। पहले तो झाड़ू निकाला, आधा निकाला था, फिर बाहर मम्मी जी ने निकाला, तो शाम हो गए तो मम्मी जी ने बोला आप बर्तन वगैरह कर लो किचन के, मम्मी झाड़ू निकाल दे। मम्मी जी ने झाड़ू निकाला, अभी कपड़े अंदर रखने के लिए मैं गए मम्मी जी ऊपर, और मैंने आटा निकाला। अभी अब आटा लगाऊंगी और आ
आज प्रज्ञान अभी शाम को सोया था, 4 बजे उसे सुलाया था, तो इतनी ज़्यादा मुश्किल से सोया है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत 1 घंटे तक मेहनत करनी पड़ी तब जाके वो सोया है। और अब लगा लेती हूँ आटा फटाफट, और उसके बाद मैं जाऊँगी ऊपर, कपड़े वगैरह समेटूँगी। और आज अभी पहले तो प्रज्ञा सोया, उसके बाद में तो हमने गर्म कपड़े निकाले थे सारे, पहले उससे बच्चों के ही निकाले थे, अब हम सब के भी आज निकाले कपड़े, तो उसमें टाइम लग गया था। और अब खाना बनाते हैं, आटा लगाते हैं, उसके बाद में सोचेंगे कि सब्जी कौन सी बनाएंगे। ऐसे तो सोच रहे कि मिर्ची टमाटर बना ले, लेकिन पास में और सब्जी कौन सी बनाए वो सोचेंगे। हम लगाते हैं आटा। अब मैं आई हूँ ऊपर, पहले कर लेती हूँ फटाफट कपड़े फोल्ड। अंदर तो मम्मी जी ने रख दिए थे और थोड़े बहुत गीले थे, थोड़े ही सूखे, सारे सूखे नहीं थे, क्योंकि लेट हो जाता है कपड़े धोने में, 2 तो बज ही जाते हैं, तो फिर वो सूखे नहीं थे। अंदर मम्मी जी ने स्टैंड पे डाले हैं कपड़े, और जो सूखे हैं वो सारे मैं अभी फोल्ड कर लेती हूँ। तब तक मम्मी जी से भी सब्जी कटिंग कर रहे हैं, फिर नीचे जाके सब्जी बनाएंगे, उसके बाद में सब आएंगे तब रोटियाँ बनाएंगे गरम गरम। और करती हूँ फटाफट पहले फोल्ड कपड़े, फिर जाते हैं नीचे। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और अब बनाऊंगी रोटियाँ। प्रज्ञान भी उठ गया है, उसको मम्मी जी बाहर लेकर गए गाय को रोटियाँ वगैरह देने के लिए, और वो सोया हुआ था तब मैंने सब्जी वगैरह बनाई थी, आटा वगैरह लगाया, ऊपर कपड़े समेट के आई। और उसके बाद में अब इतनी देर तो बैठे थे मेरे मम्मी जी, मूँगफली या सली कर रहे थे, गोटे निकाल रहे थे उसके, और अब सब आ गए हैं, खाना खाएंगे, इसलिए अब रोटियाँ बनानी शुरू करती हूँ। अब सौरभ जी लेकर आए सामान, और साथ में लेकर आए आज मिठाई। क्या है इस मिठाई में? काजू कतली। पहले भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद में सब खाएंगे। और सामान में गजक है, और तो ये तो पर्ची है, और तो सामान पीतांबरी, बर्तन मांजने वाली, छोले वगैरह, और इसमें कूड़ लगता है, और सारे तेल है। अब काव्या के पापा ने आज करके आए शॉपिंग, खुद की, और क्या लेकर आए हैं, जूते, सैंडल टाइप के जूते हैं बाटा के। ये प्रज्ञान बहुत हेल्प कर रहा है, हमेशा हेल्प करता मेरी तो। हाँ देखो ये दे, निकाल निकाल के गिरा रहा प्रज्ञान, नहीं। और ये एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग, और एक और स्पोर्ट्स वाले जूते भी है। काव्या शोर कर रही है। एक ये स्पोर्ट्स वाले जूते लेके आए, और वो वहाँ पे काव्या प्रज्ञान वो लेके आना, इधर लेके आओ बेटा, सारे भी खेल दिए। और अब काव्या चाचू के साथ में खेल रही है, इसलिए प्रज्ञान भी वहाँ पे पक गया है। और ये सर्फ का डब्बा यहाँ पे रख दिया है, मशीन पे रखा हुआ था, उठा के लेके आ गया। हमें ऊपर आ गई हूँ, और प्रज्ञान भी आ गया हाँ हेलो करो सबको, प्रज्ञान ऐसे करो, हेलो बोलो, हेलो करो। ये कतली साथ में ऊपर ही लेकर आया है, और अब पहले इसको सुलाऊंगी। और आज इसको वापस ऐसे लग रहा है कि जुखाम लग रही है थोड़ी थोड़ी, नाकों में से पानी आ रहा है, सर्दी आते ही ऐसे टेंशन जी कर रहती है। सर्दियाँ वैसे तो अच्छी लगती है, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन की बात रहती है पूरी सर्दी में, कि सर्दी ना लग जाए, सर्दी ना लग जाए इस बात की। और अभी काव्या भी नहीं सोई है मम्मी जी के पास, इस कि अभी तो ऐसे ही लेटी हुई है, नींद नहीं आई है अभी उसे, और अभी ये तो सोएगा नहीं आज इतने जल्दी, अभी ये खेलेगा, क्योंकि आज ये उठा था 7 बजे उठा था, कितने 4 बजे सोया, 4 बजे 4:30 बजे सोया था, 7 बजे उठा था, तो ये वैसे भी आज जल्दी सोने वाला नहीं है, पता नहीं कब सोएगा। खेल रहा देखिए, फुल मस्ती के मूड में है अभी। हम सब ने खाना वगैरह खाया ही था, कि इनके फ्रेंड आ गए थे, तो फिर चाय वगैरह बनाई थी, फिर बाद में दूध जमाया था। और अब
इसके साथ में खेलेंगे। और आज के वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।